वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2019 और 23 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप धनगढ़ को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जगदीप धनगढ़ को अभी पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल अपॉइंट कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जगदीप धनगढ़ और यही बने हैं वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर। अच्छा, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं, तो पहले आप मैप में देख लीजिए, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता से क्वेश्चन बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के अब गवर्नर यही बन गए हैं जगदीप धनगढ़। अच्छा, इनके अलावा नागालैंड के भी नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। नागालैंड के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं आर एन रवि। तो आर एन रवि को नागालैंड का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। त्रिपुरा के भी नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और त्रिपुरा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रमेश बैस। तो अब टोटल 10 गवर्नर बन चुके हैं नए, और 10 के 10 आपको याद रखने हैं। मैं एक बार आपको पूरे 10 के 10 रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले कलराज मिश्र बने थे हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर। उसके बाद आचार्य देवव्रत बने गुजरात के नए गवर्नर। उसके बाद अनुसुईया उइके बनी थी छत्तीसगढ़ की नई गवर्नर। उसके बाद विश्वभूषण हरिचंद्रन बने आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर। उसके बाद आनंदीबेन पटेल बनी यूपी की नई गवर्नर। उसके बाद लालजी टंडन बने मध्य प्रदेश के नए गवर्नर। उसके बाद फागू चौहान बने बिहार के नए गवर्नर। और अब ये 3 नए गवर्नर बन गए हैं। नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं आर एन रवि, त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं रमेश बैस, और वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने हैं जगदीप धनगढ़। तो ये गवर्नर जो नए बने हैं ये आपको अभी 10-15 दिन कंटिन्यू रिवाइज करने हैं, जिससे कि ये आपको याद हो जाए। एक्चुअल में होता क्या है, अभी तक जो गवर्नर थे, जैसे वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर थे केसरीनाथ त्रिपाठी, तो हम नहीं भी चाहेंगे तब भी केसरीनाथ त्रिपाठी हमारे माइंड में आएंगे। तो अभी आप 10-15 दिन रिवाइज करिए तो ये जो नए गवर्नर बने हैं ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो 10 नए गवर्नर बने हैं, 10 के 10 इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज कर लेने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक कहां से लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है अभी चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया गया है और इसको सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने दिन भर टीवी पर देखा होगा कि चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया, टाइम को बहुत फोकस किया जाता है कि 2:43 पे लॉन्च हुआ। ये नहीं पूछा जाता है, आपको सोचना है कि क्वेश्चन कहां से बनता है। आपके माइंड में भी सेट हो गया कि 2:43 पे लॉन्च हुआ। टाइम कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि कहां से लॉन्च हुआ। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है और इसका लॉन्चिंग व्हीकल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस लॉन्चिंग व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है? GSLV Mark 3 M1 से इसे लॉन्च किया गया है। किससे? GSLV Mark 3 M1 से इसे लॉन्च किया गया। और ये जो टर्म है GSLV, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV Mark 3 M1 लॉन्चिंग व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। अब इसरो इंपॉर्टेंट है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? के सिवान।
अच्छा इसरो की स्थापना की किसने थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। एक्चुअल में ये जो चंद्रयान 2 था ये 15 जुलाई को ही लॉन्च होना था, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये लॉन्च हुआ है। अच्छा चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। तो चंद्रयान 2 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अभी एस सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है एस सौम्या और इन्हीं को संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना है। ये 93 में वार्षिक सम्मेलन में संचालन करेंगी एस सौम्या, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्रवाह में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 6 सालों में एफडीआई प्रवाह में 79% की वृद्धि हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा एफडीआई क्या होता है? एफडीआई की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको कई बार बताया है, आपने देखा होगा कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाती हैं और अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं और फिर हमारे देश से पैसा कमाकर अपने देश ले जाती हैं। तो जो वो इन्वेस्ट करती हैं हमारे देश में उसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पिछले 6 सालों में यानी कि 2013 से लेकर 2019 तक 6 सालों में 79% एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का शुभारंभ हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो? तो इसमें क्या होगा, जो पुलिस वाले होते हैं उनकी नई ट्रेनिंग टेक्निक्स को प्रदर्शित किया गया है, पुलिस वालों के लिए जो नए नए टेक्नोलॉजी के एपरेटस आए हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। तो ये है 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो और इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अजय भादु को राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अजय भादु और इन्हीं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अब इनको राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किसने जीता है? तो अभी रविंद्र कुमार मलिक ने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी 12वीं मिस्टर साउथ एशिया चैंपियनशिप हुई है काठमांडू में और यहीं पे मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है रविंद्र कुमार मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम स्काई नामक प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या मेडिसिन फ्रॉम स्काई नामक प्रोजेक्ट? तो जब कहीं भी ब्लड की जरूरत होगी तो ड्रोन के थ्रू ब्लड भेजा जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड की जरूरत होती है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये ड्रोन के थ्रू ब्लड को भेजने की फैसिलिटी शुरू की है। ब्लड को भेजा जा सकता है, कहीं पे भी वैक्सीन की जरूरत है तो ड्रोन के थ्रू वैक्सीन को भी भेजा जा सकता है। तो इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने हैं? तो अभी शिवा थापा प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शिवा थापा और यही प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने हैं। अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट कप कहाँ हुआ है? तो ये कजाकिस्तान में हुआ है। अब कजाकिस्तान में हुआ है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
केजे टोकायो। कौन है? केजे टोकायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ओपन खिताब किसने जीता है? तो जापान की अकाने यामागुची ने इंडोनेशिया ओपन खिताब जीत लिया है। यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अकाने यामागुची और ये जापान की हैं और इन्होंने ही इंडोनेशिया ओपन खिताब जीता है। अच्छा, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये अकाने यामागुची जापान की हैं, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमा दास ने चेक गणराज्य में 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हेमा दास ने चेक गणराज्य में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये हेमा दास का एक महीने में पांचवा गोल्ड मेडल है। पांच गोल्ड मेडल एक महीने में जीत चुकी हैं हेमा दास। ये हैं हेमा दास और इन्होंने अभी चेक गणराज्य में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, हेमा दास कहाँ की हैं? ये असम की हैं। इनको असम का स्पोर्ट अम्बेसडर भी बनाया गया था। अच्छा, हेमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिए, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हेमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 की मेजबानी करेगा। यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 11वां द्विवार्षिक डिफेंस एक्सपो 2020 होगा लखनऊ में। अच्छा, इसकी थीम आपको याद रखनी है, तो इसकी थीम क्या है? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये थीम भी आप याद रखिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फागु चौहान को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी फागु चौहान को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया। यानी किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ शुरू किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके पास जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।